डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन. एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ. आतेड़ कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 55 से बोल रहे हैं. हमारे यहाँ पे हमने वार्ड वालों ने आज प्रदर्शन किया जल विभाग के लिए. हमने 10 दिन पहले सिविल लाइन के अंदर हमने प्रदर्शन करके आए थे. हमने आश्वासन दिया गया था कि 7 दिन के अंदर पानी की समस्या पूरी कर दी जाएगी, लेकिन 7 दिन पश्चात हो चुके हैं, अभी तक कोई पानी की समस्या पूरी नहीं हुई है. हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी है ऊपर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते हैं, पानी नीचे नहीं भर सकते हैं आके, उनके घर तक पानी का प्रेशर नहीं जाता है. 4 दिन में टैंकर आता है. कम से कम 250-300 की आबादी है इस हमारे क्षेत्र की के, उनका वहाँ पूर्ति नहीं हो पाती एक टैंकर से. वो पानी ना हम पीने के लिए यूज ले पाते हैं, क्योंकि पानी आ ही नहीं पाता है एक एक मटकी. और सबसे ज़्यादा समस्या बुजुर्गों के लिए है, क्योंकि बुजुर्ग ऊपर रहते हैं, ना नीचे वो पानी भर सकते हैं ना आ सकते हैं. तो हमारा पहले प्रेशर आता था, लेकिन हर बार गर्मी में प्रेशर तोड़ दिया जाता है. हमारा पानी यहाँ पहुँच ही नहीं पाता. हमारा यहाँ 5 साल पहले लाइन डाली गई थी पीने के पानी की, लेकिन उस लाइन में भी पानी नहीं आ रहा. कहा गया था जल विभाग द्वारा कि हमारे यहाँ पर पानी का प्रेशर अच्छा आएगा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं आया. हमने सिविल लाइन में जाके भी वहाँ पर एप्लीकेशन दी है, लेकिन आप ही कवर कर रहे थे उसको, लेकिन वो भी समस्या अभी पूरी नहीं हो पाई. क्या है कि 10 मिनट से ज़्यादा पानी आता, आपको लाइव दिखा के सकता हूँ मैं, पानी आता जब. ठीक, आपका नाम? मेरा नाम रोहित भाट है. यहाँ वैशाली आतेड़ में रहते हैं. हमारे यहाँ वार्ड नंबर 55 ही है, और यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि हर तीसरे चौथे दिन पानी आता है, और वो भी समय पर नहीं आता है, और ना इसका कोई समय है, और 10 मिनट कोई पानी आता है, और ताकि पीने का पानी हमारा भर नहीं पाता है. और इस कोरोना काल में हमारे पानी की वैसे इतनी वो ज़रूरत है, और इस समय ही जल्द आए, पानी नहीं दे रहा है हमें, तो इस समय उनको चाहिए कि हमें पानी दे. कुछ दिन पहले आपने ज्ञापन भी दिया था जलदाय विभाग को. कुछ दिन पहले हमने वहाँ पर उनको कहा भी था जलदाय वालों को, इसका कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए पानी की हमारी समस्या को दूर किया जाए, और पानी प्रेशर से दिया जाए ताकि हमारे घरों में पानी पहुँचे. आज किस तरह से प्रदर्शन किया आपने? आज इसलिए कि पानी हमारे बिल्कुल नहीं है, और पानी के हम क्या करें. ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती है. विगत वर्षों से लगातार पानी की समस्या इस पूरे क्षेत्र में, केवल माता आतेड़ माता मंदिर क्षेत्र में ही नहीं, राजीव कॉलोनी में, हिम्मत नगर में, इंदिरा कॉलोनी में, हमारे आतेड़ शमशान बस्ती में, रामदेव नगर में, और इस प्रकार की जो कच्ची बस्ती है इसमें लगातार समस्या रहती रही है. और जनता की बार बार मांग रहने पर यहाँ पर पानी की पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी, लाइनें डलवा दी, लेकिन सिर्फ लाइन डलने से पानी नहीं आएगा जब तक उसमें पानी छोड़ा नहीं जाएगा. और PHED द्वारा जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार इन कच्ची बस्तियों में, केवल मात्र कच्ची बस्तियों में नहीं, वैशाली नगर क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में हालत यह 60 से 72 घंटे तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, चाहे वो कैलाशपुरी हो, चाहे छतरी योजना हो, चाहे वो पार्श्वनाथ कॉलोनी हो, चाहे वो सागर विहार हो, वहाँ पर 60-60 घंटे में पानी आ रहा है, और पानी का प्रेशर इतना धीमा है कि इन बस्तियों में जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें पानी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है. ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा बार बार मांग की जाती है, और कच्ची बस्ती के वासी निवासी जाकर के PHED डिपार्टमेंट पर प्रदर्शन करते हैं. इससे पूर्व जब इनमें कच्ची बस्ती में पानी की समस्या आती थी, तो अप्रैल के महीने से लगातार यहाँ पर टैंकर की सुविधा शुरू हो जाती थी, लेकिन अप्रैल निकला और इस कोरोना महामारी के काल में ये मई भी निकलने आ गया. हाल ही में कुछ दिनों से टैंकर की वापस व्यवस्था शुरू हुई, लेकिन वो भी नाकाफ़ी है. 750 जनों की इस बस्ती में केवल मात्र एक टैंकर पानी आता है. राजीव कॉलोनी में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है, शमशान में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है. तो मेरा निवेदन और आग्रह, आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन की ओर का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक और तो राजस्थान के मुख्य सचिव सभी जिला कलेक्टर को PHED डिपार्टमेंट को बार बार आग्रह और निवेदन करता है, डायरेक्शन देता है कि पानी की समस्या का ध्यान रखा जाए, इसका समाधान किया जाए. दूसरी ओर अजमेर का प्रशासन कान में तेल डाल के सो रहा है. ये चाहते हैं कि इस लॉकडाउन का उल्लंघन करके जनता पहुंचे इनके पास और अपनी समस्या बताए. मेरा आग्रह है आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि प्रशासन ध्यान दे, पानी का प्रेशर बढ़ाए,
जो 15 मिनट 20 मिनट पानी आ रहा है, इसका समय बढ़ा है कि कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या का समाधान कर सकता है तो वो पानी कर सकता है। जब लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो हाथ धोने और नहाने की बात दूर तक संभव नहीं नज़र नहीं आती है। और इन कच्ची बस्तियों में टैंकर की सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ, टैंकर बढ़ाए जाएँ। अप्रैल मई जून जुलाई इन 4-4 महीने तक लगातार टैंकर यहाँ आते रहे, लेकिन अभी इन टैंकरों पर रोक लगा दी गई है। और जो अभी हमारे द्वारा मांग करने पर केवल मात्र एक टैंकर कभी एक दिन में कभी दो दिन में आ रहा है, तो इन टैंकर की संख्या बढ़ाई जाए, ये मांग हमने की। पाइपलाइन डली हुई है, अवैध कनेक्शन लोगों ने ले रखे हैं, उन अवैध कनेक्शनों पे कार्रवाई की जाए। और ये जो लाइन जो डली हुई है, इन लाइन में पानी टाइम पर छोड़ा जाए, इसका समय भी तय किया जाए। नियत समय पर पानी आएगा तो नियत समय पर पानी भर पाएंगे। आप देख रहे हैं कच्ची बस्ती इतनी पहाड़ के ऊपर है, इतने पहाड़ के ऊपर है, इनमें पानी का प्रेशर ऊपर नहीं जाता, लेकिन नीचे तक अगर पानी आएगा तो निश्चित रूप से इस पानी की समस्या का समाधान हो पाएगा और जनता को राहत मिलेगी।